जब जनता से सरोकार के मुद्दे होंगे तो डीबीएस न्यूज सवाल उठाएगा। जब नौतनवा क्षेत्र में आग लग जाने पर जनता खुद को असुरक्षित महसूस करेगी तो डीबीएस न्यूज सवाल उठाएगा। आज आप हमको इस फायर गाड़ी के फ्रेमिंग में इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि आज बात आग लग जाने से जनता के सुरक्षा पर होगी। आपको बता दें कि अभी पिछले दिवाली को ही नौतनवा क्षेत्र के एक व्यापारी के दुकान में आग लग गया था और आग लगने के बाद लगभग 4-5 घंटे के बाद जो है दमकल गाड़ी पहुंची थी, तब तक उसका लगभग 50 लाख से अधिक का नुकसान हो गया था। नौतनवा तहसील लगभग 4-5 लाख लोगों को जोड़ता है और लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई फायर स्टेशन नहीं है, कोई दमकल की गाड़ी नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए नौतनवा के भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अब तक जो है नौतनवा को दमकल गाड़ी देने के लिए क्या रणनीति है और इनका क्या प्रयास रहा है। सर देखिए, मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि डीबीएस न्यूज़ जनता से जुड़े सरोकारों के मुद्दों को उठाता है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। जहाँ तक दमकल का सवाल है, निश्चित रूप से नौतनवा नगर क्षेत्र की आबादी 70,000 से अधिक है और यह विधानसभा नौतनवा की आबादी लगभग 4-5 लाख के आसपास है और ये लगभग 200 गांवों को जोड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे तमाम डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और कई शॉपिंग मॉल और जनपद का सबसे पुराना नगर पालिका है ये, जहाँ सबसे प्रतिष्ठित व्यवसायिक क्षेत्र है ये और ये भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। नेपाल के लोग भी इस बाजार में आते हैं, यहाँ पर रैक उतरती है रेलवे की। इतने तहसील मुख्यालय है, इतने महत्वपूर्ण जगह पे आज तक यहाँ पे अग्निशमन केंद्र, फायर स्टेशन नहीं बन पाया, जबकि नौतनवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नौतनवा से सटे मुंडला ग्राम सभा में लगभग 1.5 एकड़ के आसपास भूमि फायर स्टेशन के नाम से सुरक्षित है। वही हम कहना चाहते हैं सर, लगभग हम जहां तक जानकारी है कि 10 से 15 साल पहले वो जमीन चिन्हित कर ली गई है। 15 साल से अभी तक क्या हो रहा था सर? जमीन तो है लेकिन उस पर फायर स्टेशन क्यों नहीं बन पाया? नौतनवा क्षेत्र के लोगों को दमकल गाड़ी क्यों नहीं मिल पाया? निश्चित रूप से अभी तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनकी उदासीनता, उनकी लापरवाही, उनकी अकर्म्यता। ये संवेदनशील क्षेत्र है, संवेदनशील जगह है। अभी ऐसा आपने जिक्र किया कि इसी दिवाली को यहाँ के प्रतिष्ठित कपड़ा में मकान में भीषण आग लग गई थी और प्रथम दृष्टया नेपाल से दमकल मंगाना पड़ा। उसके बाद 3 घंटे बाद भारतीय क्षेत्र से फरंदा या महाराजगंज से दमकल वहाँ पहुँच सका, तब तक उसका 50 लाख से अधिक का नुकसान हो गया होता। अगर यहाँ फायर स्टेशन होता, दमकल होता, तो निश्चित रूप से 15 से 20 मिनट में 25 मिनट में घटनास्थल पे दमकल पहुँच जाता और उसका परिणाम ये होता कि जो भारी क्षति होती वो रुक जाता और कम क्षति उनकी होती, कम नुकसान हो पाता। कितना प्रयास है सर आपका जो है? देखिए, अभी पिछले दिनों मुझे जब जानकारी हुई तो मैंने उस भूमि का नक्शा, खतौनी और खसरा निकालकर अपना एक पत्र लिखा और इस पत्र को इस महाराजगंज क्षेत्र के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी से मिलकर मैंने उनको मांग पत्र दिया है। उस पत्र का उन्होंने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए अपने लेटर पैड पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी और दमकल गाड़ी से विशेष मतलब है। जाहिर सी बात है, जब दमकल से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को सुविधाजनक चीजें मिलेंगी, स्टेशन बनेगा, तो निश्चित रूप से गाड़ी आएगी। जैसा कि मुझे जानकारी है कि जिले में गाड़ियों का अभाव है, लेकिन शासन से मेरा अनुरोध है कि इस गंभीर विषय को तत्काल संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर फायर स्टेशन स्थापित करने के साथ तत्काल प्रभाव से दमकल की भी यहाँ पे व्यवस्था की जाए, जो यहाँ पे 7 days 24 hours यहाँ उपलब्ध रहे। क्योंकि अभी दिवाली की बात छोड़ दीजिए, इसके पूर्व में भी क्षेत्र में तमाम बार आग लग चुके हैं और दमकल गाड़ी तुरंत न पहुंचने से जो नुकसान कम में हो सकता था वो व्यापक पैमाने पे हुआ है।
तो निश्चित रूप से यहाँ पे दमकल की नितांत आ सकता है, ताकि क्षेत्र की जनता, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के तमाम आम जनता, आम प्रतिष्ठान व्यापारी और घरों में सुरक्षा का भाव रहे कि अगर कोई अनहोनी, कोई इस तरह की आगजनी घटना होती है तो हम तुरंत उसको काबू पा सके। आपके पत्र का उल्लेख करके, जिक्र करके मंत्री जी पंकज चौधरी सीएम को पत्र लिख दिए हैं दमकल गाड़ी के लिए। जी, क्या लगता है कि कब तक जो है बन जाएगा? निश्चित रूप से जब माननीय मंत्री जी ने, यहाँ के सांसद ने संज्ञान लिया और निश्चित रूप से इस प्रकरण में गंभीर है, तभी तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। सजग गई, अब तो उम्मीद बच गई है, जब सांसद हस्तक्षेप कर दिए और शासन को पत्र लिख दिए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में फायर स्टेशन स्थापित होगा और दमकल भी यहाँ 24 घंटे रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ जो है भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल, कहना है कि इन्होंने अपने पत्र के माध्यम से सांसद पंकज चौधरी को जो है बताया है कि क्षेत्र में दमकल गाड़ी और फायर स्टेशन की नितांत आवश्यकता है, और उस इनके पत्र के जो है उल्लेख करके उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि नतनों में जल्द से जल्द फायर स्टेशन और उसके साथ साथ दमकल गाड़ी उपलब्ध करा दी जाए। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।